हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एसके कुमार, एसके हेल्थ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। दोस्तों, अस्थमा के बात के बारे में बात करने से पहले मेरे एसके हेल्थ को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, जिसके बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा हुआ है तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अस्थमा कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अस्थमा हमारे सर्दी खांसी से स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर सर्दी खांसी हमारे अगर हम लोग इलाज नहीं करते हैं तो वहीं 2-3 महीने के बाद अस्थमा का रूप ले लेता है। दोस्तों, जिसमें हमें सांस फूलने लगता है और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, या कहीं चढ़ते हैं तो उसमें भी थक जाते हैं, हमें कमजोरी महसूस होने लगता है। दोस्तों, हमारे खांसी होते रहता है जिससे हमें कमजोरी और हमारे दिनचर्या बहुत ही ख़राब हो जाता है, हमारा लाइफ बहुत ही ख़राब चलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा हुआ है तो आप मेरे नुस्खे को अपनाइए और आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा और भी 100%। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा हुआ तो एक कलौजी जो देख रहे हैं आपको कहीं भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, इस कलौजी को लेना है दोस्तों, और कलौजी को आपको बुक को पाउडर बना लेना है दोस्तों। और पाउडर बनाने के बाद आपको शहद ले लेना है, जो आपको हनी आता है, हनी हो ये कहीं भी आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा, इसको भी ले लेना है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा हुआ है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा और आपका अस्थमा 100% ख़त्म होगा। क्योंकि मुझे वो भी हुआ था, मैं बहुत ट्रीटमेंट करिए, मेरा खत्म नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसको उपयोग किया आप जरूर ही जरूर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो कलौजी है ये अस्थमा के लिए रामबाण है और शहद भी रामबाण है। दोस्तों, इसको ले लेना है, कलौजी को आपको ले लेना है, इसको बूक का पाउडर बना लेना है, एक चिटकी कलौजी लेना है और शहद लेना है 1 चम्मच। दोस्तों, इसको आपको खाना है, सुबह में खाना है दोस्तों, खाना खाने से पहले, और आपको रात में सोते समय खाना है। दोस्तों, ये करने से आपका अस्थमा खत्म होने लगेगा, आपको सांस की तकलीफ धीरे धीरे खत्म होगा और आप सही रहेंगे। दोस्तों, आपको कुछ परहेज भी करना होगा, जैसे कि आपका तैलीय चीज़ नहीं खाना है दोस्तों, और मसाला वाला सामान नहीं खाना है, ठंडे चीज़ से बचना है। दोस्तों, मेरे एसके हेल्थ को सब्सक्राइब कर ले और इस कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों।